बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको हाफ़ दावत किचन में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो हम ठंडे मशरूबात की रेसिपीज़ आपको पेश कर रहे हैं। आज हम आपको फालसे का शरबत तैयार करना सिखाएंगे। पहले हमने आपको फालसे का जूस बनाना सिखाया था। फालसे का शरबत आप एक महीने तक भी सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं एक पाव फालसे हैं हमारे पास, और 250 ग्राम चीनी है, आधा जग पानी का है, और हाफ टी स्पून हमारे पास काला नमक है, और एक टीस्पून हमने लिया है सिरका, वाइट विनीगर जी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमने एक पैन लिया है और हम उसके अंदर डालेंगे अपना पानी। उसका फ्लेम हमने ऑन कर दिया था और यह हम इसमें आधा जग पानी का डाल दें, और अब हम इसमें डालेंगे अपने फालसे। पानी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है ताकि बाद में छानने में आसानी हो। इसको हम कम से कम 5 मिनट तक उबालेंगे। और नाज़रीन, ये हमारे फालसे पक रहे हैं, कम से कम हमने इनको 5 मिनट तक और पकाना है। और नाज़रीन, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और नाज़रीन, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। नाज़रीन, अब हम इसको चने को छान लेंगे, तो थोड़ा सा चम्मच से चलाएं ताकि सारा जूस से आगे नीचे चला जाए। और नाज़रीन, अब हम 1 कप पानी लेंगे और पैन में डालेंगे। चूल्हा हमने पहले जला लिया है और 250 ग्राम चीनी इसमें डालते हैं और इसको सीरा बनाएं। अब हम चीनी के पिघल जाने तक इसको पकाएंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसका शीरा बिल्कुल पिघल गया है, चीनी पिघल गई है और शीरा बन गई है। और अब हम इसमें जो दूध हमने छाना था वो भी ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच इसमें डाला है हमने काले नमक का, क्योंकि फालसे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, तो ये काला नमक जो है उसको थोड़ा सा माइल्ड कर देता है। दूसरा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका, और अब हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और नाज़रीन, हमारा ये शरबत तैयार है फालसे का। ये पक के काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब भी हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको एक जार में सेव कर लेंगे, एयर टाइट जार में। नाज़रीन, हमने ये जार लिया है, इसके अंदर हम ये डाल देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर 1 चम्मच सिरका भी डाल देंगे। फिर आप इस शरबत को 1 से 1.5 माह तक फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं। और नाज़रीन, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा शरबत डाला है, आइस क्यूब डाले हैं, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और नाज़रीन, हमारा ये फालसे का शरबत तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन।